नमस्कार दोस्तों, हेल्पो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि अपनी जन्म कुंडली से। जी हाँ दोस्तों, अपनी जन्म कुंडली से आप लोग जान सकते हैं कि आपकी शादी किस महीने में होगी, कौन से महीने में आपकी शादी हो सकती है, वो अपनी जन्म कुंडली से आप लोग जान सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से हम लोग अपनी जन्म कुंडली की सहायता से जान सकते हैं कि आपकी शादी का महीना कौन सा होगा। जिन किसी की भी शादी हो चुकी होगी वो इस मेथड को एक बार अपने में लागू कर सकते हैं और देख सकते हैं और बता सकते हैं कि उनकी शादी इस महीने में हुई थी या नहीं। अब चलते हैं टॉपिक की। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल के रेड बटन होगी इसको क्लिक कर दीजिएगा, उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्याएं हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि शादी किस महीने में हो गए। दोस्तों यहाँ पे आपको एक कुंडली दिख रही है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे आपकी कुंडली, आप लोग लग्न कुंडली उठाइएगा उसमें देखिएगा, एक से लेके 12 नंबर की कोई भी राशि लिख सकी होती है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, ये आपका लग्न हो जाएगा, ठीक है। फिर जहाँ पे मैंने 7 नंबर लिखा है यहाँ पे भी आपके एक से लेके 12 नंबर तक के कोई भी नंबर लिखे हो सकते हैं। तो आपको बस ये याद करना है कि अपने कुंडली में जहाँ पे मैंने 7 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में भी देखिएगा लग्न कुंडली में कोई भी अंक लिखा होगा एक से लेके 12 अंक तक। अगर एक नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी मंगल है, दो नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी शुक्र है, तीन नंबर लिखा है उस राशि का स्वामी बुध है, और चार नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी चंद्रमा है, पाँच नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी सूर्य है, छः नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी बुध है, सात नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी शुक्र है, आठ नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी मंगल है, नौ नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी धनु गुरु है, दसवां नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी शनि है, ग्यारह नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी शनि है, बारह नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी गुरु है। तो आपको इन सारे ग्रहों को देख लेना है कि कौन सा आपका सातवें घर में जो राशि नंबर लिखा है उसके आधार पर उस राशि का वो स्वामी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सातवें नंबर पे यहाँ पे शुक्र है, तो शुक्र देखिए कहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ पे कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ है जहाँ पे एक नंबर लिखा है, तो शुक्र यहाँ पे पहले घर में बैठा है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिएगा आपकी शादी मार्च या अप्रैल के महीने में हुई होगी, अगर इसमें नहीं हुई होगी तो शुक्र आप ये देखना कि जो सातवें भाव का स्वामी शुक्र है उसका नक्षत्र स्वामी क्या है, सॉफ्टवेयर में देखिएगा वो केस यहाँ पे देखेंगे। शुक्र यहाँ पे आद्रा नक्षत्र में, आद्रा स्वामी यानी राहु होता है, राहु यहाँ कुंडली में 12 में होगा, तो यहाँ पे दिसंबर के महीने में ये दिसंबर या नवंबर या दिसंबर के महीने में शादी हो सकती है। तो अगर दूसरे घर में आएगा तो मार्च अप्रैल मई के बीच में, तीसरे मई जून, चौथे जून जुलाई, पाँचवें अगस्त, छठा सितंबर, नौवां, इसी तरीके से क्रम बढ़ाते हुए आप लोग देख सकते हो कि कौन से कहाँ पे बैठा हुआ है। क्योंकि पहला घर जो होता है, अगर हम मेष राशि में जाके तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला घर मार्च अप्रैल, ठीक है, फिर उसके बाद मई मार्च होता है, दूसरा अप्रैल, तीसरा मई, चौथा जून, पाँचवा जुलाई, छठा अगस्त, सातवां सितंबर, आठवां अक्टूबर, नौवां दिसंबर, नौवां दसवां दिसंबर, ग्यारहवां जनवरी, बारह फरवरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग दे सकते हैं, तो जहाँ पे जो राशि आए तो उसके आधार पे आप लोग जान सकते हैं कि आपकी शादी उस वर्ष उस महीने में हुई होगी। तो धन्यवाद दोस्तों हेल्प चैनल को देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। समस्याएं हो तो जरूर मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, लोशक क्लासेस स्टार्टअप, वैदिक केपीलाल किताब, टैरो, पामस्ट्री, वास्तु, मैथ्स, प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं।